हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक हाफ कॉलर नेक डिज़ाइन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 80-80 सेंटीमीटर फैब्रिक लिए है दोनों। पहले हमें लाइनिंग की कटिंग करना है, तो यहाँ हमने आगे और पीछे वाले पार्ट की मार्किंग कर ली है। ब्लाउज़ की जो विड्थ हमें लेना है यहाँ पर 11 इंच, क्योंकि ये हमारा 36 इंच का साइज़ है, तो इसका फोर्थ पार्ट प्लस 2 इंच लिया है हमने। और इसकी लेंथ हमने ली है 15 इंच, जो कि सिलकर आएगी 14 इंच। आगे और पीछे सेम ही लिए हमने। शोल्डर हमारे है 7 इंच, आर्म होल है 6 इंच, जो कि हमने शोल्डर से 1 इंच तिरछे में लिए हैं। आर्म होल की गोलाई सामने की 1 इंच है और पीछे की 1.5 इंच है। और ये जो टक्स है हमने यहाँ से 4 इंच नाप के लिए है, बंद वाले साइड से 4 इंच लेकर यहाँ से हमने जो आगे वाला टक्स है वो लिया है 5.5 इंच, और पीछे वाला लिया है 4.5 इंच का। अब इसको कट कर लेना है। अब यहाँ ये दोनों पार्ट्स को मेन फैब्रिक पे भी कट कर लेना है। यहाँ हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब इस पर हमें नेक की मार्किंग करना है, तो यहाँ से मैं 6 इंच मार्क कर रही हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर 7 इंच मार्क करना है। यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। और पीछे वाले पार्ट में यहाँ हमें 3.5 इंच का मार्क करना है। इसके बाद यहाँ पर 9 इंच का मार्क करेंगे। इस तरह से गोलाई दे देना है। ये जो मार्क है इसको हम लाइनिंग पे कट कर लेंगे। और इसके ऊपर फैब्रिक से 1 इंच की पट्टी कट करना है। पट्टी को ये गोलाई के साथ रखते हुए अटैच कर लेना है गोलाई में। आगे वाले नेक के मार्क को भी दूसरी तरफ प्रिंट कर लेना है। अब इसको मेन फैब्रिक के साथ रखना है, और यहाँ मार्किंग से स्टिचिंग करते हुए नीचे कमर पे भी स्टिचिंग कर देना है दोनों साइड। यहाँ हमने जो पीछे वाले पार्ट पे राउंड शेप कट किया था उस पर ये पट्टी अटैच कर ली है। अब ये पट्टी को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और ये आगे वाले पार्ट पे भी हमने स्टिचिंग कर ली है। इसको यहाँ सेंटर से कट करके पलटा लेना है। यहाँ इस तरह से इसको पलटा लेने के बाद यहाँ से हमें प्रेस सिलाई करना है, और पीछे वाले पार्ट पे ये लाइनिंग को हम इस तरह से रखेंगे ऊपर, और अंदर की तरफ सिलकर पलटा देना है इसको भी। यहाँ हमने इस तरह से आगे और पीछे वाले पार्ट को तैयार कर लिया है। इस पे हमने टक्स भी दे दिए हैं और लेस भी लगा ली है। अब पीछे वाले पार्ट को अलग कर देंगे, और ये आगे वाला पार्ट लेना है हमें। और साथ ही यहाँ पर हमने ये नेट फैब्रिक के टुकड़े लिए हैं, इसको हमें यहाँ पर रखना है, और जितना चौड़ा हमारा शोल्डर रहेगा उतना रख के यहाँ से स्टिच कर देना है दोनों पार्ट में। यहाँ पर हमने शोल्डर पे नेट अटैच किया है। इसकी चौड़ाई इधर से भी 4 इंच है और यहाँ नीचे से भी 4 इंच है। दोनों हमने इस तरह से ज्वाइंट कर लिए है। अब हमें इसमें पीछे वाले भाग को शोल्डर से अटैच कर लेना है। इस तरह से शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद अब इसमें हमें कॉलर ज्वाइंट करना है। तो यहाँ कॉलर बनाने के लिए हमने इस तरह से नेट फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच ली है। साथ ही हमने यहाँ पर ये रोल वाला बकरम लिया है। इसको यहाँ इसके साथ में रखते हुए यहाँ से नेक पे अटैच करना है यहाँ तक। ये इस तरह से कॉलर अटैच करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ जो नीचे हमने स्टिचिंग की है इसको इस तरह से अंदर दबाते हुए ये फैब्रिक को इसके ऊपर फोल्ड करके स्टिच कर देना है। यहाँ इस तरह से कॉलर अटैच करने के बाद यहाँ सेंटर में हमें नीचे की तरफ हुक की पट्टी लगा लेना है, और साथ ही यहाँ पर स्लीव्स लगा के फिटिंग देके ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।